नहीं करेंगे हम कोरिया में शादी इसकी, करती रहे जिद जितनी करनी है। अगला कल को तेरे को छोड़ दे तो? कास्ट तो छोड़ो, इसने तो कंट्री क्रॉस कर दिया था पूरा, हमने आपस में दोनों ने बात करना छोड़ दिया था। जो क्वालिटी उस कोरियन बॉय के अंदर है, वो क्वालिटी इंडिया के अंदर, इंडियन बॉय के अंदर भी हो सकती है। हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। गाइज, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि मैंने कैसे अपने पेरेंट्स और फैमिली को कन्विंस किया कोरियन लड़के से शादी करने में, क्या मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा कूल थी। नो, बिल्कुल भी कूल नहीं थी मेरी फैमिली। मेरी फैमिली बिल्कुल परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन वाली थी, और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ऐसे थी जैसे बस कह दिया ना, बस कह दिया वो वाली टाइप थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई अपनी फैमिली को मनाने में, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, कुछ जैसे साल ही लग गया ऑलमोस्ट मनाने में उनको। मैंने ना उनका ऑनेस्ट ओपिनियन लिया है, एक तरीके से इंटरव्यू टाइप लिया है कि उनका क्या ओपिनियन था, क्या उनका रिएक्शन था कोरियन लड़के से शादी कराने में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखो। नेहा ने जब मुझे पहली बार बताया कि उसको कोरियन लड़के से शादी करनी है, तो मैंने उसकी बात को इग्नोर मारा कि ठीक है, थोड़ी देर का प्यार होगा, अट्रैक्शन होगी, भूल जाएगी। फिर हमारे कुछ दिनों बाद बात हुई, फिर इसने फिर से यही टॉपिक उठाया कि उसको वही लड़का पसंद है और उसी से ही शादी करनी है। फिर आया मुझे उसके ऊपर गुस्सा कि ये अपनी आधी जिंदगी, अपनी आगे की जिंदगी, इतना बड़ा फैसला कैसे ले रही है इतनी जल्दी, और ये इसने कैसे सोच लिया कि ये इंडियन इंडिया में नहीं और कहीं और पे भी शादी करेगी और खुश रहेगी, और इतने साल अपने जिंदगी के ये कैसे उस लड़के के साथ अपने गुजारेगी। मैंने जब अपनी बेटी से शादी की बात की कि बेटे अब आपकी एज हो गई है कि शादी के लिए आपके लिए कोई लड़का ढूंढे, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। बेटी नेहा ने बताया कि पापा मेरा एक लड़का मेरे नोटिस में है जो कि कोरियन है। मुझे ये बात सुन के थोड़ा सा बड़ा अजीब लगा कि एक इंडियन गर्ल कोरियन लड़के के साथ कैसे पॉसिबल होगा। इंटरकास्ट भी नहीं है, इंडिया के अंदर भी नहीं है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट थी, जिसके कारण मुझे काफ़ी एक टेंशन हो गई थी कि बिटिया का ये डिसीज़न भी कैसा है। मैंने अपनी बेटी को ये भी बताया कि नेहा, ये हम फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं, एक बार आप अपने डिसीजन को दोबारा से रिव्यू करें कि इंडिया के अंदर भी आपको लड़के काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। जो क्वालिटी उस कोरियन बॉय के अंदर है, वो क्वालिटी इंडिया के अंदर, इंडियन बॉय के अंदर भी हो सकती है। तो जब भी मैं नेहा से बात करती थी, वो मेरे को ही कन्विंस करने लगी रहती थी कि उसके बारे में, और उसके अगेंस्ट में कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। तो इसके चक्कर में हमारी आपस में इतनी लड़ाइयाँ होती थी, और हमने आपस में दोनों ने बात करना छोड़ दिया था। कास्ट तो छोड़ो, इसने तो कंट्री क्रॉस कर दिया था पूरा। तो नेहा ने फिर मेरे को कन्विंस किया कि ठीक है, तू एक बार मिल तो ले। तो मैंने कहा ठीक है, चल एक बार मिल लेती हूँ। बाकी मेरे बैक ऑफ द माइंड तो यही था कि हमें कौन सा करवानी है, चल ठीक है एक बार मिलने में क्या है। तो मैं उससे मिली, तो मैंने कहा ठीक है, मिला मेरे को जब, तो मुझे एकदम लगा तो सही कि ये बिल्कुल ही लाइक हम जैसे नहीं है, है ना, तो हम जैसे लैंग्वेज भी नहीं है और पूरा लाइफस्टाइल, कल्चर सब कुछ अलग है। तो मैं, मेरे को तब भी नेहा के ऊपर बहुत गुस्सा आया कि ये सच में इसने इतना बड़ा अपना लाइफ का डिसीजन कैसे ये ले रही है, मुझे तो अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि ये कोई भी कंट्री का लड़का अगर लेकर आती ना, तो मैं तो यही सोचने वाली थी कि ठीक है इसकी नहीं निभने वाली है, और ये अपना एक बीइंग अ एल्डर सिस्टर, तो मुझे तो ये डर लगता था कि भी ये पता नहीं ये आके ना घर भी ना बैठ जाए कि कुछ टाइम बाद कि ठीक है जी प्यार ओवर, अब मैं आ गई हूँ। मैंने सोचा कि शायद इधर से कोरिया में गया हुआ है, भी कोरिया में कर रहा है भाई काम। हमने कहा जैसी नेहा सुंदर है, चलो ऐसा गोरा सा लड़का होगा, चलो हमने कहा कि आजकल बच्चे पसंद अपनी से करवाते हैं तो करवा ले। तो फिर लड़का यहाँ पे आया, तो हमने कहा ये तो कोरियन है, इससे तो नहीं हम करेंगे शादी। नेहा ये एक बात नहीं चलेगी, हम अगला कल को तेरे को छोड़ दे तो हम किधर जाए, भाई ऐसे हम नहीं कर सकते। तो नेहा कहती नहीं, लड़का अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी से करवाऊंगी। माँ हमने कहा तू करवा ले शादी, हम तो तेरे साथ ना बरतेंगे ना तेरी शादी में आएंगे। तो फिर लड़का हमारे घर आया, तो मेरे मम्मा भी यहीं पे थे, मेरी मतुले मदर कहने लगे कि नेहा तू इस लड़के से शादी करवाएगी, कोरिया में जाएगी? ना 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 ना, जो तेरी शादी में जाएगा मैं उसके साथ भी नहीं बरतूंगी, उसके साथ भी नहीं, चाहे मेरा बेटा ही है। तो मेरे भाई को बुलाया, मेरा भाई कहता मैं क्या मान रहा हूँ, मैं भी नहीं मान रहा, नहीं करेंगे हम कोरिया में शादी इसकी, करती रहे जिद जितनी करनी है। तो फिर हमने, नेहा ने हमें, हम बहुत समझाते, पापा भी इसके बोलते कि नेहा को समझाओ, हम भी कहते भी नेहा नहीं,
तो इधर का लड़का कोरिया गया होता तो करवा लेती, कोई बात नहीं। तो मुझे पता तो था कि मेरी बहन मतलब किसी कोरियन लड़के को डेट तो कर रही है, फिर बाद में जब पापा उसके लिए लड़के ले आते थे अरेंज मैरिज के लिए, तो वो हमेशा हर एक को रिजेक्ट कर देती थी। तो एक टाइम ऐसा आ गया जब पापा बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब तो कोई लड़का तू पसंद कर लेना। तो फिर मैंने अपनी बहन से भी पूछा कि भाई सीन क्या है तुम्हारा, मतलब कर क्यों नहीं रही तू मतलब अरेंज मैरिज। फिर जब इसने घर पे बताया कि ये तो उसी से शादी कर रही है, तो एकदम मुझे बहुत फनी लगा। तो मैंने उससे पूछा, पहले तो सबसे पहले ये पूछा कि वो नॉर्थ कोरिया का या साउथ कोरिया का है। देखो अगर नॉर्थ कोरिया का था फिर तो पहले ही कांटा बच जाना था, बट जब इसने बताया कि साउथ कोरिया का है तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जोंगसू को जब हमने फर्स्ट टाइम अम्बाला में देखा तो हमें थोड़ा सा बड़ा अचंभा हुआ कि इंडियन और कोरियन दोनों का जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनका जो लाइफस्टाइल क्या कहूँगा कि उनका जो इंडियन जो लड़का दिखता है और जैसे कोरियन लड़का दिखता है वो बिल्कुल डिफरेंट था। और फिर मेरे मन में ये भी आया कि जैसे इनके कल को बच्चे होंगे तो वो कैसे होंगे, इंडियन होंगे कोरियन होंगे या कैसे होगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे विचलित कर रही थी। शुरू में तो हमें बहुत एकदम सरप्राइजिंग सा लगा, थोड़ा मन में कई तरह के थॉट्स भी आए कि एक तरफ कोरियन लड़का और तुम इंडियन ट्रेडिशन में पली हुई लड़की हो, और इंडिया के और कोरियन के बिल्कुल कल्चर ट्रेडिशन बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी लैंग्वेज अलग है आपकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, तो कैसे आप आपस में मतलब अपना रिलेशन बना पाओगे, कैसे एडजस्टमेंट कर पाओगे। तो हमने तो उसको बहुत समझाया कि शायद ये मान जाए, और पर वही है कि जब बंदा प्यार में होता है तो भगवान भी आके सामने से बोल देना कि बेटा इस रास्ते नहीं जाना है, तो उसको उसी रास्ते पे ही जाना होता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर फाइनली धीरे धीरे, उस टाइम ऐसे कोरियन ड्रामास का इतना ज़्यादा क्रेज़ तो नहीं था, पर हाँ जब उसने बताया कि उसको इस कल्चर में जाना है, फिर जाके मैंने थोड़े से के ड्रामास देखने शुरू किए। उसके बाद के ड्रामास के बाद मुझे वहाँ के लोग कुछ समझ में आने लगे कि आपस में ज़्यादा हम लोगों का फ़र्क है नहीं है, हम लोग एशियंस हैं, हम लोगों का कल्चर सेम है, उनकी वैल्यूज़ ऐसी ही हैं, बट हाँ वो हमसे डेवलप्ड है, कंट्री डेवलप्ड है और उनकी सोच भी डेवलप्ड है। तो मुझे धीरे धीरे उन लोगों को लोग समझ में आने लगे, हम जैसे ही लोग हैं। वहाँ के लड़के जो भी मुझे लगा कि ठीक है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे ही मैंने जोंगसू को जाना कि वो नेहा की बहुत केयर करता है, उसे अंडरस्टैंडिंग है हर चीज़ में, उसके छोटे से छोटे काम में उसको सपोर्ट करता है। और मैंने कहा कि उस लड़के क्या क्वालिटी है कि जो आप उसको प्रेफर कर रही हो, लेकिन नेहा ने कहा कि नहीं पापा, जो जोंगसू है वो काफ़ी अच्छी नेचर का है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और ये बात मुझे भी थोड़ी अच्छी लगी कि ये लड़की जो कॉन्फिडेंट है। तो मैं तो फाइनली खुश हुआ, चलो फाइनली कोई किसी को तो ये पसंद आए और कोई बंदा है जो इसको फाइनली हैंडल कर सकता है, और फाइनली घर थोड़ा वो हो जाएगा, थोड़ा मुझे जगह मिल जाएगी ज़्यादा। तो मैं बहुत खुश था। मैं जब हमारे जीजू से मिला, ठीक है, तो मुझे पहले तो बहुत फनी लगा क्योंकि फैमिली में पहली बार कुछ नया हो रहा था। दूसरे रिलीजन का तो समझ आता है चलो, बट यहाँ तो पूरा कल्चर और कंट्री डिफरेंट था। तो वो मुझे बहुत मतलब अच्छा भी लगा था, बिकॉज चेंज ऐसा कि हाँ हमें मैं तो हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो और मेरे पापा ने एक्सेप्ट किया, वही सबसे बड़ी बात थी मतलब हमारे लिए एटलीस्ट। तो अब अपनी तो कोई टेंशन नहीं है। बस फिर चलो, अखीरी माननी पड़ी, बच्चों की बात माननी पड़ती है, क्या करें, पर लेकिन बच्चों के आगे झुकना ही पड़ता है। तो चलो जी, शादी पे आया लड़का, अच्छा लगा हमें, कुछ पहले से बेहतर लगा। तो ठीक है, हमें इंग्लिश तो आती नहीं थी इतनी, भी कैसे इससे बात करें। तो हमारे घरों में तो जुआइयों की बहुत कदर होती है, बहुत कुछ, हम तो वो तो अपना खाना आप डाल लिया करें, लेकिन हम सोचे भी कहें भी चलो ऐसा जुआई तो मिलना मुश्किल है, चलो देखो। चलो फिर हम मान ही गए, शादी हुई, अच्छा लगा। नेहा ने बोला कि मैं उनकी लैंग्वेज भी समझती हूँ, थोड़ा बहुत मन में आए नेगेटिव थॉट्स, तो फिर उनको हमने इग्नोर करते हुए, हमने बच्चों की इज्जत को रखते हुए, सम्मान को रखते हुए, हमने बच्चों की बात को खुशी से हर्ष मान ली। और आज अब हमें इतना पसंद है, इतना पसंद है, हम दिया लेके भी हिंदुस्तान में ढूंढते, हमें ऐसा जुआई ना मिलता। ठीक है, हम उसके साथ इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन वो हमारी बात समझता है, हम उसकी बात समझते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। अब तो ऐसे लगता है जैसे अपना बेटा है। सबसे पहले बताओ तो, हमें छोटों को तो पता ही नहीं था कि लाइक कोरियन लड़का है।
तो पहले बड़ों बड़ों को पता था, उनमें बात वगैरह हुई, तो हमें तो 2 महीने बाद पता चला कि अच्छा लड़का कोरियन है। ऊपर से मैं तो पहली बात तो कोरियन फैन हूँ, BTS फैन, के ड्रामाज इतना देखती हूँ, और मेरी तो छोड़ो, मेरे दोस्त हैं इतने सारे, वो तो मतलब तेरे कोरियन चीजू हैं, मुझे भी मिलवा दे, मुझे बुआ से मिलवा दे, मुझे उनसे मिलवा दे। अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा था कि वाह यार हमारी फैमिली में कोई नया मेंबर आया जो इंडियन नहीं है, तो हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस तरह से हमारे बच्चों का जो रिश्ता था वो सिरे चढ़ गया और आज बच्चे बहुत ही हैप्पीली मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और जो आप सबके सामने। मैं तो यही आका भाई एड्डी दूर लड़की का करना देख, मैं तो सोचा चलो लड़के नेड़े होने तो चल बंदा मिल गया जानिया ना, यही होंगे आके बच्चे तो भाई माँ प्यो मिल गया कहते बिच कर गया थे दूर तो फिर तेन पता ही है साल बाद दिया कहते आके बैठी। फैमिली वाले तो लाइक जो ओल्ड लोग हैं उनको तो डिफरेंस उतना नहीं पता, वो तो कोरियंस एंड नॉर्थ कोरियंस जितने भी हैं कम्बाइंड वो सबको चीनी बोलते हैं, नॉर्थ कोरियन साउथ कोरियन चाइनीज जापानीज उनको नहीं पता, सो उनका उतना कुछ ओपिनियन था नहीं, उनको थोड़ा वियर्ड लगता था बट मेरे को ठीक लगता था। मेरे एज के बच्चों को कोरियंस का काफ़ी क्रेज है एंड के पॉप काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सो मेरे को पता है कि साउथ कोरिया काफ़ी अच्छा है एंड मेरे को भी काफ़ी अच्छी जगह लगती है, सो मैं बोलता उस बारे में अच्छे अच्छी जगह लगती है एंड जीजू बहुत अच्छे से। आपको जोंगसू कैसे लगे मुझे? बहुत अच्छे लगे, उनकी हाइट भी बहुत अच्छी है, सुंदर भी बहुत है, सुंदर भी बहुत है, बोलते बहुत अच्छे हैं, बहुत लाइक सॉफ्ट है। अब आप दोबारा मिलना चाहोगे अंकल से? बहुत बारी। तो अंदर की बात तो एग्जैक्टली ये थी कि इसको इंडिया का बंदा तो कोई झेल नहीं सकता, वो तो मुझे पता है, तो फाइनली बाहर का कोई बंदा मिला तो बहुत खुश हूँ मैं, तो बहुत ही खुश था बहुत।